Rabiul Alam is selling off everything he owns. He has been living in Jammu as a refugee since 2010. He is from Myanmar's Rakhine state and he is a Rohingya refugee. But now intimidation and detentions of refugees in Jammu is forcing him to sell his belongings and again find a safe refuge. जो भी लिया था हमने फ्रिज वगैरह तो पानी की टंकी कूलर पंखा कंबल चेयर जो भी है हमारे पास सब बेच रहे हैं आज चार बंदे परसों दो बंदे ऐसे करके उठा रहा है तो इनके डर के मारे बच्चे इधर पड़ रहा माँ उधर पड़ रहा इसके चक्कर में ये लोग सामान हम लोग सामान बेच के जा रहा जहाँ हमारी किस्मत होंगे उधर चले जा रहे हैं जहाँ पे हमें अगर जेल डालेगा जेल डाल देंगे जहाँ पे हम जाके पहुँच जाएंगे उधर ही चले जा रहे हैं हम लेकिन घर से ये घर से निकल रहा हम वापस अपने देश में जाके मर जाएंगे There are about 10,000 Rohingya refugees, all Muslims, living in Jammu. Now their presence is resented by right-wing groups in the Hindu-dominated region. Since the last 2 years, authorities in Jammu have been detaining refugees in what they call verification drives. So far, more than 150 have been detained. Now that is a big number. Ali Johar's wife was detained in March 2021. She was deported to Myanmar last month. She was separated from Johar and their 3 children who are still living as refugees in Jammu. ये कमेटी वाला ने बुलाया आप इधर आ जाओ आपका सुखी में बुला रही है ऐसे बहाना से सुखी में ले गया इसके बाद पुलिस वाला ने मेरे वाइफ को बताया सबको बताया गाड़ी में बैठो मेडिकल जाना है कोरोना टेस्ट करना है ऐसे बहाना से गाड़ी में बैठाया फिर सीधा डाला है जेल हीरानगर जेल में डाला है एक साल हो गया पूरा एक साल से 2-3 बार बच्चा मिला है लेकिन हम मिल नहीं सकते उधर जाकर मेरे पास इतने पैसे नहीं है 2022 15 मार्च को हसीना को उधर जेल से निकला गया हाथ में फॉर्म में बेरी लगा कर अभी तक 2 हफ्ता हो गया हसीना से बात भी नहीं हुआ फिर कहाँ रखा कहाँ गया बर्मा सरकार ने कहाँ छुपा कर रखा है मुझे इतने मालूम भी नहीं है ये मेरे फैमिली है 3 बच्चे है अभी छोटे बच्चे है फिर अभी सरकार के या छोड़ दिया हसीना को क्या जेल डाला है क्या माल डाला है मुझे इतने कोई मालूम नहीं कोई भरोसा भी नहीं है एंड हजरा खातून हस्बैंड वाज रिसेंटली डिटेन्ड लीविंग हर टू रेज 7 चिल्ड्रन अलोन विद द फियर दैट शी माइट नेवर सी हर हस्बैंड मेरे साथ 10 परिवार है एक ही बंदा कमाने वाला है हमारे घर वाला के यहाँ से उठा के ले गया तुम्हारा कार्ड बेजाल है ऐसे बोला कार्ड के लेके आना हम देखते हूँ पुलिस वाला ऐसे बोला हम कार्ड लेके दिया अगर बाहर आओ मैंने बोला कहाँ ले जाएगा तुम्हारे साथ दुकान है दुकान वाला लेके जा रही है दुकान में जाएगा ये गाड़ी में बैठो कहाँ ले जा रहे हमारा पति को कहाँ ले जा रही है सौखी में जा रही है कि इसके लिए ये कार्ड बेजाल है ठीक करने के लिए ले जा रही है इससे पता चला है इस इतने बात है इतने बात के उठा के ले गया 3 दिन फिर तना में रख लिया 3 दिन बाद लो गया हीरानगर में ले गया सो कि आसान ने बोला तुम्हारा पति के हीरानगर बेच देगा सामान तमान पैक कर दो हम क्या जीने का सही हमारे पति के छोड़ देगा हम यहाँ से जाना पति के साथ कहाँ जाऊँगा इतने छोटे छोटे बच्चा है कमाने वाला नहीं है हमारे साथ है कौन जाएगा There is uncertainty and fear of detention and deportation among the refugees. Because of that, most refugees remain confined to their camps. Some spend their days in the forests, hiding from the authorities. जो जंगल में है हम आ गया था देखो वहाँ पे हमारा बर्मा को पूरा गिर के प्लाट को फूल फिर मोबाइल लेके जा रहा किसी का कार्ड लेके जा रहा बंदा डर से डर मर रहा है इसीलिए हम जंगल में आके इधर सहारा ले रहा हूँ हमारा घर में अभी फिलहाल कोई नहीं है सब मतलब दर बदर हो गया आगे पीछे हो गया कोई एक बच्चा भी नहीं है घर में क्या करे जान बचाना है बहुत जुल्म का के आया है हमारे पर इससे डबल जुल्म हिंदुस्तान में हमारे साथ हो रहा है 230 बंदा को एक बार हिरासत में लेके सीधा जेल में डाल दिया है उसके बाद 25 बंदा रामबन से उठा के जेल में डाला है उसके बाद अभी 2-4 फैमिली यहाँ से एक छोटा बच्चा दूध पीने वाला 6 महीने का बच्चा है
बाप को देख के माँ को हीरानगर में ले गया। But hiding means these refugees are unable to provide for their families. What is a choice left when you're caught between persecution and poverty? सीधा अपने गांव जाने का प्लानिंग करके जा रहा है, अपने गांव जाने का इरादा किया। अगर जाना मरना उधर मरेंगे और क्या करेंगे। सर देखो ना, अगर इधर रहेंगे, इधर अगर आर्मी रास्ते पे आर्मी होंगे पकड़ेंगे सबको डालेंगे ना जेल। फैमिली पूरा फैमिली तो जा रहे हैं हम कट्टे साथ, अकेला इसको तो बच्चे को तो नहीं भेज रहा हूँ ना, तो अगर डालेगा तो पूरा फैमिली डालेगा। यहाँ पे तो दो को डाल रहा बाकी को इधर बाहर, तो बाहर दो को अंदर डालने से बेहतर पूरी फैमिली रहेंगे, दिल में सुकून तो मिलेगा ना।